हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास हरमन। सो गाइस, सोशल मीडिया पे आजकल एक वीडियो काफी शेयर की जा रही है जिसमें सिद्धाकत, जो कि मनावर फारूकी का दोस्त है, जो लॉकअप के फैमिली वीक में भी उससे मिलने के लिए आया था, उसे पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही है और उसी दौरान कोई अननोन व्यक्ति उसको काफी थप्पड़ मारता है। सबसे पहले मैं आपको उस वीडियो को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। सो गाइस, जैसे कि अभी आपने इस वीडियो में देखा, पुलिस सिद्धाकत को अरेस्ट करके लेके जा रही है, लेकिन ये वीडियो अभी की नहीं है, ये वीडियो पुरानी है, जिस टाइम पे पुलिस ने मुनावर को भी अरेस्ट किया था। पुलिस ने मुनावर को अरेस्ट क्यों किया था, मुनावर को 37 डेज जेल में क्यों रहना पड़ा, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मैंने उसका लिंक डाल दिया है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो जिस टाइम पुलिस ने मुनावर को अरेस्ट किया था, उसी टाइम पुलिस ने मुनावर के दोस्तों को भी अरेस्ट किया था, बिकॉज मुनावर के जो दोस्त हैं वही मुनावर के काम को मैनेज करते हैं। मुनावर तो 37 डेज के बाद बाहर आ गया था, लेकिन उसके दोस्तों को फिर भी बेल नहीं मिली थी, वो मुनावर से भी ज्यादा टाइम जेल में रह के बाहर आए थे, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती के ऊपर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ा। मुनावर के दोस्त आज भी मुनावर को सपोर्ट करते हैं, जो कि हमने लॉकअप में देखा ही है। तो जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जा रही है, उसके पीछे क्या सच्चाई है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए गाइज, आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास हरमन को सब्सक्राइब कर लो।